उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों से संबंधित चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को मुख्य आरोपित बनाया गया है। चार्जशीट में 24 और 25 फरवरी को चांदबाग के पार्किंग लॉट में आगजनी और करावल नगर इलाके में एक गोदाम में लूटपाट और आगजनी से संबंधित है। दोनों ही घटनाओं में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया। पार्किंग लॉट में आगजनी के दौरान कम से कम 100 वाहनों को आग लगा दी गई थी। चार्जशीट में बताया गया है कि 24 फरवरी को दोपहर 2:15 बजे ताहिर और अन्य आरोपित लियाकत अली, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद शादाब, इरशाद, मोहम्मद रेहान, अरशद प्रधान आदि ने ताहिर के छत पर से प्रदीप पार्किंग लॉट के ऊपर पत्थरबाजी की और पेट्रोल बम फेंके। इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने कुछ और आरोपित शाह आलम, गुलाम रियासत अली, अरशद कैयम, राशिद सैफी आदि पार्किंग लॉट के पास पहुंचे और उसका शटर तोड़ दिया, गाड़ियों में आग लगा दी, जिससे पार्किंग में खड़े सभी वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही आरोपितों ने वहां पर उपस्थित लोगों को लूट लिया। इसके बाद वो पहली मंजिल पर गए और वहां मौजूद लोगों के पैसे और कीमती सामान लूट लिए गए। चार्जशीट में कहा गया है कि 24 और 25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे की योजना 8 जनवरी 2020 को ही तैयार कर ली गई थी। ताहिर हुसैन ने पूछताछ के दौरान ये बातें खुद कही हैं। ताहिर हुसैन ने बताया कि उसने 8 जनवरी को ही सीए विरोधी प्रदर्शन स्थल शाहीन बाग में खालिद सैफी और उमर खालिद के साथ मिलकर इस दंगे की योजना बना ली थी। उसने कबूला कि वो और भी कई सीए विरोधी प्रदर्शन के आयोजकों से संपर्क में था। ताहिर ने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि वो सीए विरोधी प्रदर्शनों के लिए पैसे की भी व्यवस्था करता था और कंपनी के अकाउंट से उन्हें फंडिंग करता था। उसने ये भी खुलासा किया कि दिल्ली में एंटी सीए प्रोटेस्ट की शुरुआत से ही वो लियाकत अली, इरशाद, शादाब, आबिद, मोहम्मद, रेहान और अरशद प्रधान आदि के संपर्क में था। बता दें कि ताहिर हुसैन फिलहाल आईबी स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या और दिल्ली हिंसा में संलिप्तता के चलते गिरफ्तार है। आईबी में कार्यरत अंकित शर्मा की हत्या करने के बाद उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया था। मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपित सलमान ने बताया था कि दंगाइयों ने अंकित का मजहब जानने के लिए उनके कपड़े उतारे थे, धर्म पुख्ता कर उन्हें चाकुओं से गोद डाला। सलमान ने बताया कि उसने खुद अंकित पर 14 बार चाकू से वार किए। अंकित के चेहरे पर काला कपड़ा डाल उन्हें आपके निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के घर ले जाया गया था। अंकित का शव 26 फरवरी को चांदबाग के नाले से मिला था।